हेलो गाइस, होप करते कि आप सभी अच्छे हैं। अभी गर्मी के सीज़न में हमें काफ़ी अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम आज तीन तरह के ड्रिंक्स बनाएंगे। तो चलिए ड्रिंक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला ड्रिंक है वर्जिन मोजिटो। इसे बनाना बहुत ही आसान वर्जिन मोजिटो बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 to 3 स्पून शुगर लेना होगा, और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे इसमें थोड़ा सा। अभी हमें इसे बस मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें जस्ट इसे मिक्स करते रहना है ताकि हमारा एक सिरप बन जाए। अभी हमें एक गिलास ले लेना है और उस पर हमें डाल देना है मिंट के लीव्स यानी पुदीना के पत्ते। ये देखिए, मैंने पुदीना के कुछ पत्ते डाल दिया है। और पुदीना के पत्ते डालने के बाद हमें कुछ नींबू होता है ना, लेमन, उसको काट के हमें डाल देना है। नींबू के छोटे छोटे पीसेस डालने के बाद हमें इसे क्रश करना होगा। देखिए, क्रश करने के लिए क्रशर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पर मेरे पास था नहीं, तो हम इंडियन हैं जो अपना जुगाड़ हम खुद कर लेते हैं। ये जो रोटी बेलने का बेलन है उसके सहारे से मैंने इसे क्रश कर लिया है। क्रश कर लेने के बाद अभी हम इस पर जो सिरप हमने बना है चीनी और पानी से, वो वाला सिरप हमें डाल देना है। हमने सिरप डाला है 3 स्पून। और सिरप डालने के बाद अभी हम इस पर सोडा डाल देंगे। कोई भी दुकान में जो सोडा आपको मिलता है वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए, पूरा फिल कर दिया है मैंने। और ये आपका ठंडा ठंडा समर ड्रिंक रेडी हो चुका है। बस अब आप इसका बस ठंडा ठंडा कूल कूल से बस पी लेना है। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसे बस आप एक लेमन से डेकोरेट कर लीजिए। सेहत के लिए भी अच्छा है और आप अपना बॉडी को भी हाइड्रेट रख सकते हैं। ये हमारा बन चुका है तो अभी फर्स्ट हम चलते ड्रिंक। हैं हमारे सेकंड ड्रिंक के और, जो है वाटरमेलन जूस। ये भी बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं घर पर, और इसे पीना भी सेहत के लिए काफ़ी सेहतमंद यानी कि तो हेल्दी हेल्दी होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राइंड करना होगा। आपको वाटरमेलन छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और उसे ग्राइंडर में डाल देना है। उसके बाद आपको इस पर मिंट के पत्ते डाल देना है। मिंट के पत्ते जो है वो ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है। बस आपको थोड़ा सा ही मिंट के पत्ते डालना है टेस्ट के लिए, और जो हेल्दी भी है। ये देखिए, इतना हिस्सा ही मैंने डाला है। और नेक्स्ट आपको इस पर शुगर डाल देना है। 2 to 3 स्पून आपको शुगर डालना है। शुगर डालने के बाद आपको इस पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना है टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद आपको इस पर भुना हुआ जीरा थोड़ा सा हाफ स्पून डाल देना है। ये सब
सबको ये जो सारे चीज़ मैंने बोला है, ये सारे चीज़ों को आपको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है, हमने इसे पूरी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और अभी हम इसे छान लेंगे। और ये ड्रिंक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा सजा लेंगे मिंट के पत्ते के साथ, और उसके बाद हम इस पर एक वाटरमेलन का पीस भी इस पर लगा देंगे गार्निश के लिए। ये हमारा सेकंड ड्रिंक जो है नेक्स्ट वो हम रेडी हो चुका बनाएंगे है। शिकंजी का जूस, इसे बनाना भी काफ़ी आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते तो हैं। इसे बनाने के लिए, शिकंजी का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हमें आइस डालना है ग्राइंडर, मतलब हमें ये ग्राइंड करना होगा। तो सबसे पहले हमने आइस लिया है, 4-5 आइस क्यूब्स लिया है, और उस पर हमने जूस, लेमन का जूस 3 to 4 स्पून डाल दिया है। उसके बाद हमने इस पर 2 to 3 स्पून शुगर डाला है। और अभी हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इस पर 1.5 कप पानी मिला देंगे। ये सारा जो कुछ मैंने अभी मिलाया है, ये सारे हमने ग्राइंड कर लिया है, देखिए इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इसको छाक लेंगे। अभी छाकने से पहले हम यहाँ पर, आपको एक ग्लास लेना है, उस पर थोड़ा सा आइस डालना है, मिंट के पत्ते डालने हैं, नींबू के छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं, और ये जो ग्राइंड किया है आपने उसको बस छाँक लेना है। ये आपका तीसरा और फाइनल जो हमारा ड्रिंक है, समर ड्रिंक, वो रेडी हो चुका है। और इस ड्रिंक में हम थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल देंगे, और आपका ड्रिंक जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए ये तीनों ही ड्रिंक कितना बढ़िया लग रहा है। समर के टाइम पे इस तरह का ड्रिंक आप दिन में पी सकते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है, और आपके बॉडी को भी डिहाइड्रेट से बचाता है, यानी कि हाइड्रेट रखता है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि यह जो ड्रिंक मैंने आपको बना के दिखाया ये आपको पसंद आएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और हमेशा व्यस्त रहेगा। थैंक यू।